दोस्तों, एजुकेशन फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपका व्हाई, स्लाइडर मैकेनिज्म की जरूरत हमको क्यों पड़ती है। राइट, देखो, एक्सटर्नल अंडरकट को रिलीज करने के लिए हमको स्लाइडर मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है। देखिए, हमारे पास एक्सटर्नल अंडरकट कुछ इस तरह के होते हैं। इसमें होते हैं साइड वॉल अंडरकट, सर्कुलर अंडरकट और फुल अंडरकट। राइट, सबसे पहले देखते हैं साइड वॉल अंडरकट को। साइड वॉल अंडरकट में बेसिकली साइड में या तो एक होल होता है या तो उसके अंदर कोई एक फीचर रहेगा जो इजेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। राइट, उसके बाद है सर्कुलर अंडरकट। सर्कुलर अंडरकट में दोनों तरफ जो है वो अंडरकट रहेगा, है ना, साइड में अंडरकट रहेगा, जिसके लिए हमको स्प्लिट मैकेनिज्म का इस्तेमाल करना होता है। तो वहां पर भी एंगुलर पन का या स्लाइडर मैकेनिज्म का इस्तेमाल होता है। फुल अंडरकट में कंप्लीट जो फीचर रहेगा वो एक अंडरकट के रूप में काम करेगा। तो इस कंपोनेंट में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर दो साइड कोर लगने वाले हैं। राइट, तो इस साइड कोर को रिमूव करने के लिए हमको स्लाइडर मैकेनिज्म की जरूरत पड़ने वाली है। स्लाइडर मैकेनिज्म की टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, उसके लिए हम लोग एक पूरी कंप्लीट असेंबली को देखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या रहेगा भाई? बेसिकली इसको ओपन कंडीशन में हमको देखना पड़ेगा। ओपन कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि ये रहा कैविटी वाला पोर्शन, ये है कोर वाला पोर्शन। राइट, उसके बाद ये है स्लाइडर मैकेनिज्म। ठीक है, स्लाइडर मैकेनिज्म किससे कनेक्टेड है भाई? एक रॉड से कनेक्टेड है जिसके ऊपर एक स्प्रिंग लगी हुई है। राइट, ये है हमारा कंपोनेंट जिसको पार्ट बोलते हैं हम लोग, और ये है हील ब्लॉक। ठीक है, जिसको लॉकिंग ब्लॉक भी बोला जाता है। ठीक है, व्हाट इज एंगुलर पिन? एंगुलर पिन क्या है? वही असेंबली को मैं फिर से देखता हूँ। देखो यहाँ पर तो एंगुलर पिन की एक डेफिनेशन देखते हैं पहले, कि एंगुलर पिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मूवमेंट ऑफ द स्लाइडर। स्लाइडर के मूवमेंट के लिए बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, जो कि एक्सटर्नल अंडरकट को रिमूव करता है। देखो इसी असेंबली को मैं फिर से देखता हूँ। लेकिन ये जो पिन होती है वो किसके साथ कनेक्टेड होती है? वो कैविटी प्लेट के साथ कनेक्टेड होती है। देखो जरा, कैविटी प्लेट के साथ कनेक्टेड है। अगर मैं इसको चला के देखूंगा तो ये कुछ इस तरह से चलता है। तो बेसिकली इससे क्या हो रहा है? इससे ये स्लाइडर को मूवमेंट प्रोवाइड करा रहा है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट प्रोवाइड करा रहा है। राइट, तो यहाँ पर आपको दो चीजें दिख रही है, वो है एक एस और एक एच। एस जो है वो स्ट्रोक है। राइट, कितना मूवमेंट प्रोवाइड करा रहा है। एच जो है वो हाइट ऑफ द स्लाइडर है। राइट, इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरह से देखते हैं। देखो, तो बेसिकली जो स्ट्रोक और जो हाइट है उससे क्या बन रहा है? एक थीटा एंगल क्रिएट हो रहा है। तो एस जो है वो अंडरकट प्लस क्लियरेंस है। ठीक है, मतलब अंडरकट जितना रहेगा उसको कुछ क्लियरेंस ऐड करना पड़ेगा, वही तो हमारा स्ट्रोक रहेगा। और हाइट जो रहेगी वो हाइट ऑफ द स्लाइडर या फिर साइड कोर रहेगी। राइट, ठीक है, जनरली हम लोग जो एंगल लेते हैं वो 16 से लेकर हम लोग 22 डिग्री तक का एंगल ले सकते हैं। ठीक है, वैसे 25 डिग्री तक का ले सकते हैं, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि 16 डिग्री से लेकर 22 डिग्री तक का एंगल हम लोग ले सकते हैं। राइट, ठीक है, फिर से हम लोग इसको जूम करते हैं। देखो यहाँ पर एक स्ट्रोक है। तो यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि स्ट्रोक को हम लोग कम और ज्यादा कर सकते हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एंगुलर पिन की लेंथ के ऊपर। अगर मैं एंगुलर पिन की लेंथ को इंक्रीज करूं तो स्ट्रोक विल बी चेंज। देखो जरा, अगर फिर से अगर मैं उसकी लेंथ को अगर कम कर दूं तो स्ट्रोक फिर से कम हो जाएगा। राइट, तो एंगुलर पिन की लेंथ को अगर मैं बढ़ा देता हूं तो स्ट्रोक चेंज हो जाता है। राइट, ओके, बढ़ जाता है, मतलब जिसमें मैंने एंगल को भी चेंज नहीं किया। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने होंगे। अगर मैं इंक्रीज करता हूँ एंगुलर पिन की लेंथ को और सेम एंगल पे मैं स्ट्रोक को इंक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली अगर नोट देखें तो स्ट्रोक लेंथ इज नॉट डिपेंड अपॉन द एंगल। स्ट्रोक लेंथ है वो एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इंक्लिनेशन एंगल हमेशा किसके बीच होता है? 16 डिग्री से लेकर 25 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, एक नोट याद रखना कि इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 25 डिग्री। 25 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसका कारण यह है कि अगर इंक्लिनेशन इससे ज्यादा होगा तो वो क्या हो सकता है? टूट सकता है। राइट, ठीक है, यहाँ पर हमने एक कंपोनेंट ले लिया है जिसके अंदर अंडरकट जो है उसका अंडरकट का कुछ लेंथ है यू और जो हाइट है वो है एच। ओके, तो यहाँ पर देखो एग्जांपल फॉर द कैलकुलेशन। यहाँ पर स्ट्रोक मैंने क्या बोला? अंडरकट प्लस क्लियरेंस। ओके, अंडरकट प्लस क्लियरेंस। ओके, यहाँ पर मिनिमम क्लियरेंस 2 से लेकर 3 mm तक लूंगा मैं। हाइट जो है वो कांस्टेंट वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट हाइट। ओके, तो सपोज मैंने मान लिया कि अंडरकट जो है वो 5 mm का है और जो हाइट है वो 35 mm की है। राइट, तो उस तरह से अगर मैं उस डायग्राम को फिर से क्रिएट करूं तो 8 mm का हमारा स्ट्रोक रहेगा। ठीक है, और हमारा 35 mm का फॉर एग्जाम्पल क्या रहेगा? एच रहेगा। तो यहाँ पर एस कैसे आया, स्ट्रोक कैसे बना? 5 + 3 mm क्लियरेंस, तो क्या हुआ? 8 mm। ओके, यहाँ पर थीटा कितना निकला है भाई? 12.875। ठीक है, 12.875 हमारा थीटा निकला है जो कि सेफ्टी के पर्पज से सही है। ठीक है, इसका मतलब मैं 16 डिग्री का एंगल ले सकता, मतलब मैं थीटा कितना ले सकता हूँ? 14 डिग्री ले सकता हूँ, 16 डिग्री ले सकता हूँ, 18 डिग्री ले सकता हूँ। राइट, ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज मिसिंग है। क्या क्या मिसिंग है?
हाउ टू डिसाइड एंगुलर पिन का डायमीटर? सर एंगुलर पिन का डायमीटर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? हाउ टू डिसाइड स्प्रिंग लेंथ एंड द गाइड रॉड डायमीटर? स्प्रिंग का लेंथ कैसे डिसाइड करेंगे और कौन सी स्प्रिंग का हम लोग सिलेक्शन करने वाले हैं? और हम लोग एच जो है वो हाइट ऑफ द पार्ट क्यों ले रहे हैं फॉर द कैलकुलेशन पर्पस? तो ये कुछ चीजें मिसिंग है जो आपके मन में क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल ऑफ कोर्स मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। ओके, तो यहाँ पर कुछ चीज मिसिंग है जो मैं अपकमिंग लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो पिछले लेक्चर को आप अच्छे से देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू सो मच।